नंबर कोटिट्टी के सभापति श्री अशोक ओझा की ओर से 2 जनवरी को झगड़ा कोठी में सिलाई मशीन वितरण और कंबल वितरण प्रोग्राम आयोजित किया गया। 10 महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई और 700 लोगों में कंबल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे उत्तर कोलकाता के सांसद श्री शिव बंदोपाध्याय, स्थानीय विधायक श्री विवेक गुप्ता, वार्ड नंबर 44 की काउंसिलर रेहाना खातून, वार्ड 42 के काउंसिलर महेश कुमार शर्मा, सुरेश पांडे व अन्य अतिथि। तो आइए चलते हैं इस प्रोग्राम में सुनते सबने। और ये अपना ही भलाई के लिए, पागल भी अपना भला अच्छा से समझते हैं। जो पागल होता है ना, वो भी समझता है कि मेरा भला किस लिए होगा। तो हम लोग तो जाने वाले आदमी है। तो आज ये झगड़ा कोठी में जो मीटिंग आप लोगों ने किया, मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सबको मैं शुभ नववर्ष का शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा रहिए, 2024 हमारे बहुत अच्छा से आए, वही हम लोग चाहते हैं। आओ, हम लोग अभी केक काटेंगे, पार्टी का जन्मदिन हो सकते, लेकिन ये तृणमूल का वार्ड 42 का ये केक मैं काटूंगा और आप सब लोगों का बीच में ये बांट दिया जाएगा। सब अच्छा रहिए, नमस्कार। अभी गतकाल একটা ওয়ার্ডে বললাম প্রায় 1000-এর কাছাকাছি কম হবে। আমি এখান থেকে আরেকটি অনুষ্ঠানে যাব। সুতরাং সর্বত্র এই যে একটা রাজনীতি করতে করতে সমাজসেবা করার উদ্যোগ এই 42 ওয়ার্ডে আজকে অশোক নিয়েছে। কাউন্সিলর মহাশয়ও নানাবিধ কাজকর্ম করে থাকে। সব মিলিয়ে 42 ওয়ার্ডের মানুষ খুব সন্তুষ্ট আমাদের সংগঠনের কাজ করে। আমি ওদেরকে আশীর্বাদ করছি, আগামী দিন আরও বেশি করে এই কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে। आज कंबल वितरण और सिलाई मशीन का वितरण का प्रोग्राम है, आप सब मौजूद हैं, क्या कहें? मैं अशोक ओझा, भाई महेश शर्मा, दीपक निगानिया, ओमी पोदार जी और 42 अरीला खान जी यहाँ पर हैं और जितने 42 के कर्मचारी हैं, कर्मचारी बोलो, सॉरी गलत वर्ड निकल गया, हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग मेरी माफी चाहता कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे तृणमूल कांग्रेस में एक ही लीडर है ममता बनर्जी, हम लोग बाकी सब कार्यकर्ता हैं। तो जितने भी कार्यकर्ता, मैं उनका बहुत एक तो नए साल की शुभकामना देते हुए तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये कंबल वितरण करके ममता बनर्जी और अभिषेक का सपना पूरा किया। जो कि दीदी और अभिषेक का हमेशा कहते हैं कि आदमी के पास उनकी तकलीफ हो वो पहले तुमको महसूस होनी चाहिए, फिर उसको महसूस होनी चाहिए। वो ठंडा आए उसके पहले कंबल बांटे, ताकि लोग ठंडे में न तो बीमार पड़े न ठंडे में उनको दवाई की दरकार पड़े। और ये कंबल उनको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि उनके जीवन में जो गर्माहट है वो तुम्हारे कारण, तृणमूल के कारण है। जोड़ा सा की जितना लोकसभा के इलेक्शन में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, तृणमूल का कर्मी हमेशा तैयार रहता है, मानव सेवा के लिए ट्रेंड, मानव सेवा के लिए तैयार रहता है। मगर अगर चुनाव का भी मौका आएगा तो जैसे हमारा पार्टी का निर्देश होगा, जैसे पार्टी का इंस्ट्रक्शन होगा, तो चुनाव के लिए भी तैयार है, क्योंकि हर तृणमूल कार्यकर्ता जो है 24 घंटा सातों दिन 365 दिन लोगों के साथ, लोगों के बीच में रहता है, इसलिए उसको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। हम लोग तृणमूल का कोई भी कार्यकर्ता हमारे विरोधी दल के बरसाती मेंढक की तरह नहीं है, जो सिर्फ इलेक्शन के समय आते हैं, टर टर करते हैं। তখন আমরা কি করি, আমরা কেক কাটি, টফি বিতরণ করি, খাওয়া দাওয়া করি, তাহলে আমরা এই জন্মদিন এরকমই পালন করলাম, আজকে কেক কাটলাম। কিছু আমাদের এলাকার যে মহিলারা তাকে একটা আমরা রোজগার করার একটা ব্যবস্থা করে দিলাম, ছোট্ট কাজ। আর কিছু আমাদের এলাকার যে লোক যার চাহিদা ছিল কিছু কম্বল পেতে আমরা আমাদের জন্মদিন পালন করছি। আর দিদি আমাদেরকে এই শিখিয়েছে, মানুষের সঙ্গে থাকো, মানুষই তোমাকে বড় করবে, মানুষই তোমাকে আশীর্বাদ করবে, আর মানুষের আশীর্বাদের জন্য আমরা এই ছোট কাজ। আমরা 10 জন মহিলাকে, আমাদের পাড়ার মহিলাকে, আমরা 10 জন মহিলাকে সেলাই মেশিন দিয়েছি আর প্রায় 700 কম্বল আমরা আমাদের এলাকার লোকের মধ্যে বিতরণ করছি। हम लोग जनता के पास रहते हैं, इसलिए जनता अपने साथ रखती है। बस
अभी एक लेडीज बाथरूम का और काम चालू हो गया मोड़ पे, दूसरा लेडीज बाथरूम का मोड़ पे। पूजा जी के शाना पे शाना खड़ा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज तृणमूल कांग्रेस के 27वां फाउंडेशन डे के मौका पर वार्ड 42 में अशोक ओझा जी के नेतृत्व में जो आज कल से ही प्रोग्राम स्थापना दिवस के मौका पर कल बच्चों के बीच खेला का ड्राइंग और व्हील चेयर का प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद आज देख रहे हैं जैसा कि आपको लोगों के जरूरतमंद लोगों के बीच में कम्बल वितरण है, मशीन कम से कम 10 मशीनें सिलाई मशीन जरूरतमंद को दिया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय काम है और हमारी नेत्री पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पे जो पूरे बंगाल में इस तरह का फाउंडेशन डे के मौका पे जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत सराहनीय है और लोगों को इससे बहुत ही फायदा है। समर वार्ड टीएमसी की ओर से यहाँ जो कंबल वितरण और सिलाई मशीन का जो आप लोगों ने रखा है प्रोग्राम, क्या कहेंगे आज किस प्रोग्राम का? जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ था, उसके दूसरे साल से ही प्रत्येक 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर हर जिला, हर ब्लॉक, हर विधानसभा केंद्र, हर लोकसभा केंद्र में 1 से 7 जनवरी के बीच प्रोग्राम किया जाता है। झंडा तोलन से लेकर बच्चों के बीच में सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन हो, खेल कूद का प्रोग्राम हो, कंबल वितरण हो, बस वितरण हो, सिलाई मशीन वितरण हो, व्हील चेयर वितरण हो, तमाम सामाजिक काम चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हो, ये सब कार्यक्रम किया जाता है। इसी के तहत 42 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के सभापति अशोक ओझा के नेतृत्व में उनके साथियों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अर्मीनियम इंस्टीट्यूट झगड़ाकोटी के संगम स्थल पर आम जनता के बीच कंबल वितरण और वार्ड की महिलाओं के बीच सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। क्या संदेश यहाँ से देंगे आप लोग? संदेश यही है कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं, जो लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर रास्ते में चलते हैं, उनको यही संदेश है कि जैसा कि मां माटी मानुष की नेत्री ममता बंदोपाध्याय कहती है, पहले आम जनता के सुख दुख में आप खड़े रहिए, फिर तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर निकलिए। तो हम तृणमूल कांग्रेस करने वाले कर्मियों से यही निवेदन करते हैं कि आम जनता के सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर सब समय खड़े रहे, क्या तकलीफ सुविधा असुविधा उनके साथ रहे। ठीक, बहुत धन्यवाद।